सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ताबिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबिक ऑफिशियल के वी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी नोट 11 के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे करना है या इफेक्ट कौन सा लगाना है और इफेक्ट को इनेबल कैसे कर सकते हैं और अपने फ़ोन के MIUI के वर्जन को एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं, एंड्रॉयड को MIUI में कैसे कर सकते हैं। सिंपली तरीका ये, नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे करना है आपको रेडमी नोट 11 में। सबसे पहले आप लोग देख लें दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डिवाइस है रेडमी नोट 11, सही है, ये डिवाइस है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख लें, मेरे पास अपडेट चल रही है MIUI 14.0.4.0 की। अब आपको नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। इस पर आपको सेटिंग में आने के बाद लिखना है यहाँ पर नोटिफिकेशन। जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शेड आ जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन शेड MIUI के वर्जन में चाहिए, एंड्रॉयड के वर्जन में चाहिए, तो मैं एंड्रॉयड के वर्जन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ बैग आ जाता हूँ, सही है। फिर नीचे देखें नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आसान सा तरीका है इसका। आप कंट्रोल सेंटर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का डिस्प्ले शो हो रहा है और यहाँ पर आप न्यू वर्जन पर आते हैं तो आपको स्लाइड में डिस्प्ले ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो सिंपली मैं यहाँ ओल्ड वर्जन में कर देता हूँ, सही है। आप बैक आते हैं तो तीसरी चीज़ क्या होती है, नोटिफिकेशन इफेक्ट। आपको फ़ोन में दोस्तों नोटिफिकेशन लाइट किस तरीके की चाहिए, सही है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इफेक्ट लगाया था पल्स वाला, सही है, ब्लू कलर के अंदर। आप यहाँ पल्स रेड भी कर सकते हैं और स्टार लाइट कलर को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके का। जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरीके की स्टार लाइट जो है यहाँ पे डिस्प्ले में शो होगी आपको। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ ब्लू में लगाया तो साइड में मेरे पास यहाँ शो होती है, सही है, डिस्प्ले के। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है नोटिफिकेशन लाइट। और यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं अपने ही लुक में। यहाँ जितनी भी ऐप्स आपको नज़र आएंगी इसको आपको इनेबल कर देना है अगर इन ऐपों को आपको नोटिफिकेशन देनी है। अब मैं कैलेंडर वाले को ऑफ कर देता हूँ तो कैलेंडर में जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन आएगी तो मुझे यहाँ पर शो नहीं करेगी, सही है। तो यहाँ इसको भी इनेबल कर देता हूँ। इन सब ऑप्शन का ये मतलब होता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर देख लें शो नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ इसका मतलब ये है अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अगर नोटिफिकेशन आएगी शो नहीं होगी आपको, और इनेबल कर देंगे तो शो होना शुरू होगी। और फ़ोन की अगर यहाँ वाइब्रेशन खोल देंगे तो यहाँ पे फ़ोन आपको आवाज़ भी आएगी फ़ोन के अंदर। दूसरी दोस्तों, बैटरी इंडिकेटर आपको यहाँ पे 100% वाले पे क्लिक करना है, ऊपर शो होगा। अगर आप बैटरी इंडिकेटर को यहाँ पर 100% वाले इस पर शो करेंगे तो इस तरीके का डिस्प्ले शो होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर MIUI वाले फ़ोन में इस तरीके से रखा हुआ है तो आपको भी ऐसे ही रखना है। फिर यहाँ पर आप नोटिस है इंडिविजुअल ऐप्स को भी इनेबल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए जाते हैं इस फ़ोन में। ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा। नोटिफिकेशन रेडमी नोट 11 में इफेक्ट और नोटिफिकेशन लाइट इस तरीके से इनेबल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।